चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच झगड़ा जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में पीएम मोदी के पोस्टर जबरन लगाए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी को पोस्टर लगा दिए और कहा कि अगर ये फोटो हटाई तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दिल्ली सरकार का वन महोत्सव कार्यक्रम था जिसमें सीएम केजरीवाल और एलजी दोनों को आना था। इसी को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, हम झगड़ा नहीं चाहते, सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया गया है, इसलिए सीएम और मैं दोनों नहीं जा रहे हैं। और क्या कुछ कहा गोपाल राय ने, सुनिए जरा। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से अचानक इतनी डर क्यों लगने लगी है। लगातार पिछले हम कुछ समय से देख रहे हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए कोशिश हो रही है। हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया झूठे केस बना करके, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर झूठे केस बनाने का षड्यंत्र चल रहा है उनकी गिरफ्तारी के लिए। अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर जाना था, उसकी फाइल रोक दी गई। और ये तो हद हो गई कि मतलब दिल्ली सरकार का कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम में अचानक मोदी जी की पुलिस भेज करके वहां अपने फोटो लगाने की अचानक जरूरत क्या पड़ गई। एलजी साहब को कार्यक्रम में आना था, एलजी साहब का वहां स्वागत था, एलजी साहब के लिए सारी तैयारी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।